राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कौरवों के लिए शासन अनेकों योजना चला रही है जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। इसी तारतम्य में पहाड़ी कौरवाओं के बच्चों की शिक्षा पर भी शासन द्वारा काफी ध्यान दिया जा रहा है ताकि पहाड़ी कौरवाओं के बच्चे पढ़ लिख कर अपना और परिवार के जीवन के स्तर को सुधार सके। लेकिन हम आपको एक ऐसे पहाड़ी कौरवा के बच्चों के लिए आश्रम के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे ऐसे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को सेवा बर्खास्त कर देना चाहिए जो शासन की योजनाओं पर पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। बलरामपुर जिले का शंकरगढ़ ब्लॉक पहाड़ी कोरवा आश्रम कोटली का अधीक्षक सुरेंद्र कुमार भगत विगत कई दिनों से अनुपस्थित है। पहाड़ी कोरवा आश्रम कोटली में 4 चपरासी हैं लेकिन उपस्थित नहीं रहते और उपस्थित रहते भी हैं तो शराब के नशे में सोते रहते हैं। नशे में पूरे आश्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे चौकीदार को आप जब जवाब देते देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ के जिम्मेदार किस तरह अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। चपरासी हूं। आपका नाम? खोराराम। खोराराम, आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं सर? 2003। 2003 से। यहाँ आप लोग कितने स्टाफ हैं? 4। 4 स्टाफ हैं। तो आपके टीचर कहाँ हैं? घर गए हैं। कब से यहाँ नहीं रहते हैं? परसों गए हैं। तो परसों गए हैं तो आए थे कि नहीं आए थे बीच में? आज शाम को आ सकते हैं। शाम को आ सकते हैं। तो इतना बड़ा जिम्मेदारी आप कैसे संभाल लेते हैं जब अधीक्षक नहीं होते हैं तो? अरे हाँ, अपना देखते हैं भाई। बच्चों की संख्या कितना है यहाँ? बच्चे का संख्या अभी तो 30-35 है। 30-35 है। जब हमारे समय न्यूज लाइव के संवाददाता दयाशंकर यादव पहाड़ी कोरवा आश्रम कोटली पहुंचे तो पोल खुलते देखें कैसे वहां का चौकीदार मारपीट पर उतारू हो गया। मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लापरवाही बरता जा रहा है बहुत दिन से। इस जमीन को तुम ए पहले बताओ। तुम ताम में मत जाइए। हाँ। आज आप चपरासी हैं और मैं पत्रकार हूं। बताओ, तुम ताम मत बोलिए, बोल रहा हूँ ना। लाओ रे डंडा, लाओ पत्रकार को मारो। सूरज लाओ तेरे डंडा रे, लाओ तुम्हारा दम है ना, नौकरी अगर खाना है बेटा लाओ तेरे। खोरा राम आप बोल रहे हैं ना, चलिए लाइए तो डंडा और लगाइए पत्रकार को। जाइए, हो गया। पत्रकार को मारिएगा आप? हो जाए। आप पत्रकार को मारिएगा तो बताइए, बता दीजिए, मारिएगा डंडा। इस आश्रम को जिम्मेदार कचरा खाना बनाकर रखे हैं। यहाँ कोई साफ सफाई नहीं की जाती, शौचालय में कचरा भरा है और बदबू आ रही है। बच्चों के बैग में बैग शीट नहीं है, मच्छरदानी भी नहीं है। जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ट्रैक्टर से लाई गई है। इस आश्रम को लकड़ी डिपो कचरा खाना बनाकर रखा है। अव्यवस्था के चलते यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। गंदगी के कारण बच्चे बीमार होते हैं, इसलिए बच्चों के पालक अपने बच्चों को आश्रम में नहीं रहने देते। अधीक्षक कहाँ गए हैं? घर गए। और चपरासी दो नहीं है? वो लोग कहाँ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेव। सुखदेव है जी। कौन सा कक्षा में पढ़ते हो? मैं छठ। बच्चों से काम भी कराया जाता है जिस पर कई सवाल उठते हैं। जनपद और जिले के जिम्मेदार अधिकारी कोई जांच नहीं करते या उन जिम्मेदार को जानकारी नहीं मिल पाई है, ये जांच का विषय है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी इतने अव्यवस्था के बीच रह रहे बच्चों के इस पहाड़ी कोरवा आश्रम पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया, यह सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं जिसकी जांच होना चाहिए। अब देखना यह है कि यहां की अव्यवस्था कब सुधरती है और जिम्मेदार दोषियों पर उचित कार्रवाई कब तक होती है। शंकरगढ़ से दयाशंकर यादव की रिपोर्ट।